नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सर। गुड मॉर्निंग सर। आइए। आप लोग अंदर बैठिए, हम जेलर साहब को खबर करके आते हैं। सर, कैदी को लाओ। जेलर साहब, लेकिन फांसी को अभी आधा घंटा बाकी है। हमारा वक्त उस कैदी की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। ए, चल, तेरा टाइम पूरा हो गया। क्या कर रहे हो? चल, 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 अरे कम से कम पूजा तो कर ले, देना मुझे। चलो, जल्दी चलो। हाँ, करो जल्दी। कहाँ से मेरे गले में फंदा? मैं मौत से नहीं डरता। अरे इसी दिन का तो इंतजार था कि कब तेरे जुल्मों से मुझे मुक्ति मिलेगी। कुत्ते, कमीने, मौत देने से पहले कम से कम भगवान से मेरी प्रार्थना तो पूरी कर लेने दिया होता। ऊपर वाले ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, आज ही वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें जल्द ही ऊपर भेज रहा हूं। बैठिए। देख लीजिए लंकेश्वर साहब, पूरे है ना?
अबे अधूरे, जेलर साहब के बैग में मारे डर के लोग 10-15 हजार रुपए ज्यादा ही रखते हैं। जो कम रखते हैं उनकी जिंदगी कम हो जाती है। सर, मैंने कुछ नहीं सुना। सर, आपने ये तस्वीर मंगवाई थी। अब ये कुछ ज्यादा ही बोलने लग गया है सर। कल रात को टीवी पर साहब को खुले शब्दों में धमकी दी है कि ये साहब को कुछ ही दिनों में नंगा कर देगा। सर पे चुनाव है सर, अब इसे जल्दी ही चुप कराना बहुत जरूरी है। सुनने में आया है कि इसकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी बढ़ने वाली है, फिर इसे शायद। सर, साहब के लिए कोई मैसेज है? उनसे कहना ये कल सत्य प्रकाश के अर्थी को कांधा देने के लिए थोड़ा वक्त निकाले। इसकी मौत आई है जेलर, जो तुम अजगर को जगाने चले आए। तुम्हारे कदमों की आहट किसी न किसी के मौत का पैगाम लाती है। आप लोग पीछे हटिए प्लीज प्लीज। जो भी स्टेज की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। यस सर। दोस्तों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मेरा एक ही मकसद है। आप लोगों के कलम के जरिए मैं देशवासियों तक यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि 5 साल के लिए जिन लोगों को जनता ने चुनकर कुर्सी पर बिठाया उनमें से कुछ लोग अपने फायदे के खातिर इस देश को किस तरह खोखला कर रहे हैं, इस देश को बेच रहे हैं। अरे, कुर्सी के लिए अपनी बहन बेटियां बेच देते हैं तो उनके लिए देश क्या चीज है? अब तो आप अपनी पोस्ट पर नहीं हैं, फिर आप क्या करेंगे? अब मैं वो करूंगा जो पोस्ट पर रहकर नहीं कर सका। मेरे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो देश से दुष्ट और पापियों का नाश कर देंगे। वो सबूत एक नए हिंदुस्तान को जन्म देंगे। वो सबूत हिंदुस्तान को नया जन्म नहीं, लेकिन सत्य प्रकाश को मौत जरूर दे देंगे। वो चाहे फोन पर मुझे कितनी ही धमकियां दे, मेरा और मेरे परिवार का खून कर दे, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक सच्चाई का खून नहीं होने दूंगा। मैं अगर मर भी गया तो मैं चेतावनी देता हूं उन इंसानियत के दुश्मनों को कि मेरे खून का कोई भी कतरा बेकार नहीं जाएगा। एक एक कतरा हिंसा और भ्रष्टाचार के अंधेरे को मिटाकर अहिंसा और सलामती का उजाला बिखेर देगा। अरे, कोई फ्लैश ऑन करो!
बचकर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। असगर, असगर बाहर निकल, बाहर निकल असगर। दरवाजा खोलो, असगर, असगर बाहर निकल, असगर, बाहर निकल असगर। शोर बंद करो एसीपी, कैदी सो रहे। असगर कहाँ है? सेंट्रल जेल के कायदे कानून से शायद तुम वाकिफ नहीं हो। 6 बजे के बाद सारे कैदी सो जाते हैं। मैंने पूछा असगर कहाँ है? पारो सिंह साहब को सेल नंबर 22 में ले जाओ। असगर बंद करो ये लाइट, साले चैन से सोने भी नहीं देते। एसीपी साहब गुड नाइट। व्हाट गुड नाइट, व्हाट गुड नाइट? सत्य प्रकाश का खून करते हुए सबने देखा इसे। मेरे हाथ से बचकर भागा ये, जेल तक पीछा किया है मैंने, मेरे सामने जेल के अंदर घुसा, यहां आकर सोने का नाटक कर रहा है। बाहर निकालो से, बाहर निकालो। आपके पास सबूत क्या है? माधव सिंह जरा देखो तो ये क्या है। रात काफी हो चुकी है, गुड नाइट। और हां, ये बात बाहर किसी से मत कहिएगा कि कैदी जिसे फांसी की सजा हो गई है बाहर गया, किसी का खून किया और फिर फांसी पर लटकने के लिए वापस जेल में आ गया। मत कहिएगा, लोग हंसेंगे आप पे। रोओगे तुम, पछताओगे एक दिन लंकेश्वर। इस धूल में मत रहना कि तुम्हारी ये पाप की लंका हमेशा के लिए टिकी रहेगी। रावण की सोने की लंका नहीं रही तो तुम्हारी ये मिट्टी और गारे की दीवारें चीज क्या है? हर्दी का नाजायज फायदा उठाकर जुर्म की हुकूमत करने वाले अगर तुम जैसे शैतान इस देश में मौजूद है तो इसी वर्दी के लिए अपना सर कटाने वाले जांबाज भी इस देश में मौजूद है। याद रखना लंकेश्वर।
अर्जुन किसके लिए काम अर्जुन करता है तू? छोड़ो छुड़ाओ बताओ। अरे छुड़ाओ उसको बता आराम से। अर्जुन देखो किसके लिए काम करता है तू? छुड़ाओ खींचो उसको खींचो ना। ऐ कान छोड़ दो कान। पागल हो गया क्या अर्जुन? ए ले जाओ इसको बिठाओ गाड़ी में। मुबारक हो, हर बार की तरह इस बार भी तस्वीर अखबार में आप ही की छपेगी। नहीं खान मियां, ये काम तो हम सब ने मिलकर किया। अरे छोड़ यार, ऐसी झूठी तसल्ली मत दे मुझे। हमेशा की तरह इस बार भी वही हुआ, साला शुरुआत मैं करता हूँ और आखिर में बाजी तुम मार ले जाते हो। लेकिन याद रखना अर्जुन, एक दिन ऐसा काम कर जाऊंगा ना तू सलूट करेगा मुझे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, तू एक बात जान ले, तूने पेड़ से सिर्फ एक पत्ता तोड़ा है, एक पत्ता, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, तू जैसे चूहों से नहीं कतर सकते। मेरे सर पर बड़े बड़े लोगों का हाथ है, पता लगेगा ना पतलून उतर जाएगी तेरी। पागल लून उतार दूंगा, अच्छा खासा जीप में बैठकर जा रहा था, अब एम्बुलेंस में लेट कर जाएगा। इंस्पेक्टर अर्जुन कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी बहादुरी और कामयाबी पे मैं बहुत खुश हूँ। कमाल का प्लान बनाते हो, कमाल की हिम्मत रखते हो तुम। थैंक यू सर, आई लाइक इट। थैंक यू। मगर अचानक ये तुम्हें क्या हो जाता है? जिस मुजरिम को तुम्हें जेल भेजना चाहिए था उसे तुमने हॉस्पिटल में भेज दिया। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। और ये पहली बार नहीं, कई बार हो चुका है। ये एक जिम्मेदार ऑफिसर को शोभा नहीं देता अर्जुन। तो क्या ये हमें शोभा देता कि एक मामूली मुजरिम आपको भले बाजार में गाली दे? क्या उसने मुझे गाली दी? हाँ सर, उसने आपको चूहा कहा सर। क्या? यस सर। हाँ खान। यस सर, ही सेड रैट रैट। सर उसने यहाँ तक कहा कि अगर आप उसके मालिक का नाम सुनेंगे तो आपकी पतलून उतर जाएगी। क्या? हाँ सर खान। हाँ सर उतर जाएगी, पुलिस वालों के लिए कहा था, उसमें हम सब आ जाते हैं। यस सर। तुमने जो कुछ भी किया है वो ठीक किया है अर्जुन। नहीं सर, मैंने जो कुछ भी किया गलत किया। उन हरामजादों को अस्पताल नहीं शमशान घाट पहुंचा देना चाहिए था। वो लोग सारे देश में ड्रग्स फैला रहे हैं सर। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सरकारी अहदे के कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। वो आदमी ठीक कह रहा था सर, तूने सिर्फ एक पत्ता तोड़ा है, पत्ते तोड़ने से कुछ नहीं होगा सर, उनकी जड़ों को काटना है, जड़ों को। मैं उनकी तय तक पहुंचना चाहता हूं। सर देखिए ना, ये बहुत परेशान कर रहा है, ना दवाई ले रहा है ना इंजेक्शन। सर ये आप क्या कर रहे हैं? सिस्टर ऐसे मरीज के लिए ऐसा ही डॉक्टर काम आ सकता है। आप मेरी बात सुनिए जरा। सिस्टर मेरा एक दोस्त है अब्दुल, वो एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल बना रहा है और सीरियल का टाइटल भी बहुत अच्छा है, सिस्टर सिस्टर बचाओ। क्या हो रहा है ये? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही एक पेशेंट के दर्द और सिस्टर की खिदमत पर आधारित है वो सीरियल। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं सब बताता हूँ। इंस्पेक्टर गायकवाड़ उसके परिवार का खून में नहीं किया है, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। और जिस ड्रग्स की सप्लाई तुम करते हो उसके मालिक का नाम क्या है? ड्रग्स की सप्लाई मैंने की है लेकिन मैं मालिक का नाम नहीं जानता, मैं सच कहता हूँ सर, मैं वादा करता हूँ आइंदे ये काम नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ दोबारा ये काम तुम कभी नहीं करोगे। आप कैसे जानते हैं? क्योंकि तुम उसके लायक नहीं रहोगे। यार अर्जुन तुम्हारी वर्दी पर फीते काम और बदनामी के धब्बे ज्यादा हैं। अब अगर इस आदमी ने कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी तो फिर एक और धब्बे के लिए तैयार हो जाओ। वो गवाही नहीं देगा। क्यों क्यों नहीं देगा? ए, ए, सिस्टर, सिस्टर। सब ठीक है ना सिस्टर? हाँ। और खान क्या बात है, नर्स को स्टोरी पसंद आई? छोड़ यार नर्स को, अगर एक मिनट लेट हो जाता तो आदमी टाइम हो जाता। किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो तुम इन गुंडों को मामूली मत समझो, बहुत ऊपर तक पहुंच है उनकी। जरा धीरे मेरे दोस्त, क्या पता कौन कहां तेरे खिलाफ कोई जाल बुन रहा हो।
अरे छोड़ यार, चल बैठ। नमस्ते पिताजी। अर्जुन तुम ये पुलिस की नौकरी छोड़ दो। ये आप क्या कह रहे हो पिताजी? जो कुछ कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, आज ही इस्तीफा दे दो। क्यों? बस बहुत हो गया। क्या बुराई इस पेशे में? बुराई पेशे में नहीं, तुम्हारे काम करने के तरीके में है, तुम्हारी सोच में है। पिताजी फिर भाई, पिताजी मैंने कोई गलती नहीं की। कोई गलती नहीं की? अरे कई आदमियों को जान से मार दिया, एक को अस्पताल पहुंचा दिया, उसमें भी चैन नहीं आया तो अस्पताल जाकर के उस आदमी की नाक से ऑक्सीजन की नली निकाल दी। पिताजी? अरे तुम पुलिस अफसर हो, कोई कसाई नहीं हो। कितनी बार समझाया तुमको कि इस वर्दी का नाजायज फायदा मत उठाओ, फैसला करना तुम्हारा काम नहीं अदालत का है। अरे वो लोग तो खून खराबा कर ही रहे हैं, अगर तुम भी खून खराबे में उतर आए तो तुम्हारे मार उनमें क्या फर्क रह गया? फर्क होना भी नहीं चाहिए पिताजी। क्या मतलब? लोहा लोहे को काटता है। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ोगे? तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं इंसान की जिंदगी की? वो इंसान नहीं थे पिताजी, वो इंसान नहीं थे। पिताजी जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं वो पहले रेप केस में पकड़ा गया था, सबूत न होने के कारण आपकी अदालत ने उसे छोड़ दिया। बाहर निकलकर उसने उस पुलिस वालों को परिवार समेत खत्म कर दिया जिसने उसे रेप केस में पकड़ा था। इस बार आपकी अदालत ने उसे जमानत पर छोड़ दिया। अब वो बाहर निकलकर ड्रग्स का धंधा कर रहा था। पिताजी जहर तो सिर्फ उसके खाने वाले को मारता है, लेकिन ड्रग्स खाने वाले के साथ साथ उसके परिवार को भी जीते जी मारती है। और उसका सबूत है मेरी बहन और आपकी बेटी जिसे बहला फुसला कर ड्रग्स का आदि बनाया गया था। पिताजी वो हराम साधे किसी को नहीं बख्शते। डॉक्टर, डॉक्टर बनाना चाहते थे आप इसे। और ये मरीज बनकर रह गए। याद है पिताजी, एक वक्त था जब इसके ना रहते हुए भी इसकी हंसी गूंजती थी, और आज इसके घर में रहते हुए भी खामोशी है। बेटे, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जज्बात में आकर किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। बेटे डरता हूं कि तुम्हारा ये आवेश, तुम्हारा क्रोध कहीं तुम्हें ऐसे रास्ते पे न मोड़ दे जहां तुम्हें पछताना पड़े। बेटे सर, आपकी बहू पुलिस स्टेशन में है। बहू? हाँ सर, अर्जुन साहब की बीवी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं अर्जुन से कह दूंगा। सर मेरी बीवी की कोई खबर नहीं है। सर मिल जाएगी तुम्हारी बीवी, होलिया बता रहे थे ना तुम। हाँ सर, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है सर। हेलो बेटा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ पिताजी। देखो तुम सब काम छोड़ो और फौरन मांडवा पुलिस स्टेशन पहुंचो। क्यों, क्या हुआ? बेटे वहाँ बहू पुलिस की हिरासत में है। बहू? बहू नहीं सर, बीवी। बीवी? बीवी। अरे बेटे तुम्हारी बीवी मेरी बहू हुई ना, जाकर अपनी बीवी को ले आओ, घर की इज्जत ज्यादा देर पुलिस स्टेशन में रहे ये बात अच्छी नहीं। ठीक है पिताजी, क्या मुसीबत है? मुसीबत नहीं, कयामत है सर, कयामत। बहुत खूबसूरत है, खो गई है। हाँ तुम्हारी बीवी खो गई और पता नहीं मुझे कहाँ से बीवी मिल गई है। फैंटास्टिक। खाओ भाभी, बहुत टेस्टी है। माइंड बॉगलिंग। कहाँ चल? कौन है बे? ये क्या चल रहा है? फ्रूट खा रही हूँ। कंचाम। सर। ये क्या कर रहे हो तुम? सर मैडम को पानी पिला रहा था। शट अप। कंप्लेन क्या है? कुछ नहीं सर, ये आराम से फुटपाथ पे गाड़ी चला रही थी, मैं गाड़ी के सामने आके टकरा गया और सीधा आके यहाँ गिरा।
यहाँ आके पता चला ये तो आपकी। ये मेरी कुछ नहीं लगती, केस रजिस्टर करो और इसे अंदर कर दो। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा कहीं होता है क्या? क्या नहीं होता, आप हमारे भाई समान है, आपकी पत्नी हमारी भाभी समान है, और भाभी माँ समान होती है, और माँ भगवान का रूप होती है। ओ शट अप। ओहो, पत्नी का गुस्सा इस बेचारे पे क्यों निकालते हो? कितना अच्छा है ये, और वैसे भी कितनी खातिर की है इसने मेरी, मालूम है? तुम हो। कमान अर्जुन, चलो अर्जुन। चलो काजल, ये क्या नाटक है, हमेशा बच्चों की तरह करती रहती हो। तो और क्या करती, 7 दिन हो गए तुम नहीं मिले हो, जब फोन करो मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, काम काम काम, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। सुनो ना, मेरे पास सिनेमा की 2 टिकटें हैं, चलो ना। कल जाएंगे? आज? कल? आज? कल? आज? कल? आज? आज ही चले जाइए सर, बहुत मजा आएगा। क्यों, कल मजा नहीं आएगा? कल नहीं, आज। कल? आज। कल? चल। कल? चल। कल? चल। चल। पल 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 जो फिर जाए
कभी उभर न पाए, ये प्यार है ऐसा दलदल। कुड़िए चल 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 चल, कुड़िए चल 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 चल, बिरहा में जल जल जल, बिरहा का हर पल 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 पल। आइए आइए बैठिए। आप लोगों की शिकायत पर मैंने लंकेश्वर के खिलाफ एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई थी। उनके रिपोर्ट के मुताबिक लंकेश्वर अपनी जेल में कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा। ये रही वो रिपोर्ट, पढ़ लीजिए। सर मैं जानता हूं इसमें वही लिखा है जो इंक्वायरी कमीशन ने सुना होगा, लेकिन जो मैंने देखा है दरअसल वही सच है। सर सर मेरी बात का यकीन मानिए, लंकेश्वर ने उस जेल में अपनी नाजायज ताकत की जबरदस्त धाक जमा कर रखी है। अजगर जैसे खतरनाक मुजरिम जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है, लंकेश्वर उन्हें जेल से बाहर भेजकर बड़े बड़े जुर्म करवाता है, और यह सब कुछ मालूम होने के बाद भी लंकेश्वर के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता, और इसलिए इंक्वायरी कमीशन को वहां से सही इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है। सर सर एसीपी अग्निहोत्री हमारे डिपार्टमेंट के जिम्मेदार ऑफिसर हैं और मुझे इन पर पूरा विश्वास है। यह रिपोर्ट बेबुनियाद हो सकती है सर, लेकिन इनका यकीन कभी बेबुनियाद नहीं हो सकता। सर पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर सत्य प्रकाश का कातिल हमारे हाथ लग जाए तो लंकेश्वर की असलियत को सामने लाने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगेगा। अगर ऐसा है तो आप लोगों को मेरी तरफ से पूरी आजादी है, जैसे भी हो सके आप इस केस को सुलझाइए, जो करेंगे सोच समझ कर कीजिएगा। सर सर क्यों ना हम किसी दूसरे जोन के पुलिस ऑफिसर को यहां बुलाएं, जाहिर है यहां उसे कोई नहीं पहचानेगा। हम उसे कैदी बनाकर लंकेश्वर की जेल में भेज देते हैं, वो हमें वहां की सारी इंफॉर्मेशन देगा। सर मौका मिलते ही हम उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं। मिस्टर अग्निहोत्री की बातों से यह पता चलता है कि लंकेश्वर की जेल में जाना हमारे अफसर के लिए मौत के मुंह में जाने के बराबर होगा। सर दरअसल इस काम के लिए हमें एक ऐसा बहादुर ऑफिसर चाहिए जो सर पर कफन बांधकर और जान हथेली पर लेकर निकलता हो। मैं ऐसे ही एक अफसर को जानता हूं, काम कितना ही मुश्किल और खतरनाक क्यों ना हो वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। डलहौजी का रहने वाला है, नाम है अर्जुन सिंह। इस काम के लिए आपने सही आदमी चुना है सर। आप जानते हैं उसे? यस सर, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। पुलिस एकेडमी में उसकी ट्रेनिंग मेरे अंडर में हुई थी। उसकी लगन और बहादुरी से मैं काफी इंप्रेस हुआ था। मेरा फेवरेट स्टूडेंट था सर। इस काम के लिए अर्जुन सिंह बिल्कुल परफेक्ट है सर। फिर देर किस बात की, जितनी जल्दी हो सके बुलाइए उसे। चलिए 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 हटिए, ये क्या तमाशा है? तमाशा से ज्यादा आप लोगों को रेस्ट की जरूरत है। चलिए हटिए। कमाल कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की आप पे जान दे रही है और आपको परवाह ही नहीं है। अरे अगर इनको परवाह होती ना तो मेरे गले में रस्सी नहीं होती, वरमाला होती वरमाला। चलो मूव इट, कम ऑन। रुक जाओ, अरे समझाओ इसको जो ब्यूटी को छोड़ के ब्यूटी के पीछे भागता है। तुम इनको क्या बोल रही हो? जो कुछ भी बोलना है नीचे आके मुझसे बोलो। मैं यही चाहती हूँ कि आज तुम दुनिया के सामने इकरार कर लो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। हमारी सगाई की तारीख, शादी की तारीख, हमारी हनीमून की जगह, ये सब बताना होगा आज और अभी। देखो काजल, सीधी तरह नीचे आ जाओ। मेरी शर्तें मान लो तो मेरी चाहती हूँ, वरना मैं ऊपर जा रही हूँ। आप लोग अपना वक्त मत बर्बाद कीजिए, चलिए 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 चलिए। अरे रुक जा भाइयों, अर्जुन मैं तीन तक गिनूंगी। एक, एक। नर्स जल्दी से ऑपरेशन थिएटर तैयार कर जाओ।
साहब, उसका ब्लड ग्रुप तो पूछ लो। अभी के लिए मानो भाई, दवा दो, चलते ही जा रहा है। तीन। अरे मर गए। अगर हाँ बोल देता तो इसका क्या जाता? ऐसे आदमी के लिए उस बेचारी ने बेकार में अपनी जान दे दी। अरे छोड़ यार, ये सब पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं। आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ओके, अगर मैं हकीकत में अपनी जान दे देती तो क्या? सभी को तो एक दिन मरना है। यानी के अगर मैं तुम्हारे प्यार में जान दे देती तो तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं होता? लोगों ने सच ही कहा है। क्या सच कहा है? छोड़ो, जाने दो, तुम्हें दुख होगा। किस बात का? यही के लोग कहते हैं कि जो पहलवान होते हैं ना, वो जाने दो, छोड़ो। क्या हुआ पहलवानों को? वो पहलवान होते हैं ना, वो प्यार में थोड़ा यही के जो पहलवान लोग होते हैं ना, वो प्यार में थोड़ा कम होते हैं। छोरियाँ
पढ़ाई हो रही है आपकी और तुम अर्जुन ये ड्यूटी कर रहे हो तुम सर वो काजल ने कहा था कि उसे कॉलेज से हॉस्टल छोड़ दे इसलिए सर हाँ मैंने कब कहा था तुम ही तो आए थे मुझे कॉलेज से ले जाने के लिए शट अप अरे नाम इसे हॉस्टल ले जाओ ये सर मैं चलता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो तुम मेरे साथ चलो कम विथ मी बहुत गुस्से में थे ना अंकल बहुत गुस्से में थे बहुत अब क्या होगा क्या होगा मारा जाएगा अर्जुन अरे कुसूर भी तो वैसा है अपने सीनियर की बेटी को लेकर घूमने जाता है ऑन ड्यूटी वर्दी पहनकर नॉनसेंस लेकिन कुसूर सिर्फ उसका ही थोड़ी ना था कुसूर मेरा भी तो था मैं डैडी को समझाऊंगी शायद तुम्हारी बात तुम्हारे डैडी मान जाएंगे लेकिन डिमोशन इज कंफर्म डिमोशन इज कंफर्म डिमोशन इंस्पेक्टर से हवलदार बनेगा और फिर हम जैसे सीनियर्स को सलाम करेगा हवलदार अर्जुन सिंह रिपोर्टिंग सर आउट आउट फिर क्या इस गम में शराब पीना शुरू कर देगा पड़ा रहेगा कहीं भी शराब पीकर नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मैं डैडी से बात करूंगी उन्हें समझाऊंगी अरे अब तो हो चुका होगा गया बेचारा अर्जुन गया गया सर मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस मिशन के लिए चुना है मिशन की कामयाबी के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा सर मैं जानता हूं तुम चलने की तैयारी करो यस सर मैं तुम्हारे डैडी से मिलना चाहूंगा क्यों नहीं सर लेकिन क्यों सर नहीं 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 मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी बेटी उनके घर डोली में बैठकर आएगी या पुलिस जीप में मुझे खुशी है कि मैंने इस मिशन के लिए एक काबिल ऑफिसर को चुना है और मेरी बेटी ने भी अपने जीवन साथी के लिए एक अच्छे इंसान को चुना है मैं तुम्हारे डैडी से शादी की बात पक्की करना चाहता हूँ डैडी से शादी सर काजल से तुम्हारी शादी पक्की करने के लिए तुम्हारे डैडी से बात करना चाहता हूँ किसका प्रेम पत्र पढ़ा जा रहा है खान प्रेम पत्र नहीं दोस्त ये ट्रांसफर पत्र है मेरा ट्रांसफर हो रहा है दूसरे शहर निराश क्यों हो रहे हो ये ट्रांसफर दोस्तों को अलग कर सकता है लेकिन हमारी दोस्ती कम नहीं कर सकता तुम जब भी दिल से याद करोगे खान हाजिर सलाम चाचा जान अरे आओ खान बेटे बहुत सही वक्त पे आए क्या सही वक्त पर आए पिताजी खान मियां तो हमें छोड़कर जा रहे हैं क्यों कहां जा रहा है
ट्रांसफर करवा लिया अपना दूसरे शहर में। क्यों भाई, क्या सुन रहा हूँ मैं? चाचा जान, ट्रांसफर करवाया नहीं, ट्रांसफर हो गया। अब अल्लाह ने जहाँ का दाना पानी किस्मत में लिखा है, आदमी वहीं जाएगा ना भाई। बिल्कुल सही कहा तुमने, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इसमें भी शायद तुम्हारा नाम लिखा है। लुखाओ। बहुत लजीज है। अच्छे हैं। अरे भाई अच्छे क्यों नहीं होंगे, बहू ने बनाए हैं। बहू ने? नमस्ते भाई साहब। हाँ नमस्ते। अरे आप आ गए। पिताजी वो क्या आप? ओ, हम लोग बाहर चलते हैं। नहीं नहीं पिताजी, वो मैं और ये। अच्छा इसे बाहर ले जाना चाहते हो? अरे नहीं पिताजी, इसे बाहर निकालना चाहता हूँ। चुप। कभी तुम्हें इस बात का ख्याल आया कि घर में बहू चाहिए, तुम्हारी बहन को भाभी चाहिए? पिताजी पिताजी ये काजल तो। हाँ हाँ काजल, इसने सोचा, हमारी चिंता की, इसने हमारे घर आई, हमारी सेवा की। पिताजी आप जानते नहीं है काजल को? सब जानता हूँ मैं, खाना अच्छा बनाती है, दोपहर को बहुत बढ़िया खाना खिलाया इसने, और अब देखो ना पकौड़िया कितनी अच्छी बनाई। क्यों बेटे, हमेशा ऐसा ही खाना खिलाओगी ना? हाँ पिताजी, सिर्फ सोमवार को छोड़ के। क्यों भाई? सोमवार को होटल बंद रहता है। होटल वाले पकौड़े। काजल आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तुम्हारे कदम घर में क्या पड़े, घर में रौनक आ गई। परसों बाद अंजू को मुस्कुराते हुए देखा और फिर पिताजी भी बहुत खुश है। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा। काफी देर हो गई, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ाता हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं यहीं रुक जाऊँ, वैसे भी तुम्हारी बात तो डैडी से हो गई है। बात तो हो गई, लेकिन हॉस्टल जाओगी तब डोली में बैठकर आओगी ना? कब? कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ, लौटते ही बारात लेकर आऊंगा। प्रॉमिस। प्रॉमिस। अर्जुन सिंह, बहुत चर्चे सुने हैं तुम्हारे, बहुत कुछ पढ़ा भी है तुम्हारे बारे में। यह बहुत गर्व की बात है कि हमारे पुलिस फोर्स में तुम जैसे जांबाज अफसर भी मौजूद हैं। थैंक यू सर। अर्जुन, जिस प्लान के लिए हमने तुम्हें चुना है वो कोई मामूली प्लान नहीं है, इस बात का अंदाजा हो गया होगा। सर सिट, बस यूं समझ लो ये एक सुसाइड मिशन है। मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है सर। गुड। मैंने कहा ना आप बहुत जल्दी मीटिंग में जा रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद जाने दीजिए। मंत्री जी रुके, मंत्री जी रुके, मंत्री जी ये क्या? मंत्री जी हमें ये मिलने। यादव एक मिनट, कहिए। मंत्री जी हम बहुत गरीब आदमी हैं, 18 महीनों से हमारा लड़का जेल में है, उसे छुड़ा दीजिए, हम गरीबों पर रहम कीजिए। मेरा बेटा बेकसूर है साहब, रात को फिल्म देखने गया था और घर लौटा तो उसको पुलिस वाले उठा कर राउंडअप पर ले गए और चोरी और खून का इल्जाम लगा दिया। अभी तक नहीं लौटा है साहब, अभी तक नहीं लौटा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मंत्री जी, मेरे पति को जेल से रिहा करवाइए, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे दिल से पूछिए हम कितने मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे। यादव जी, इनके साथ जाकर मामले की छानबीन करो और अगर इनका बेटा निर्दोष है तो फौरन उसकी रिहाई का इंतजाम करो, और जिस पुलिस ऑफिसर ने उसे गिरफ्तार किया ना उसे मेरे सामने पेश करो। जी सर। आप लोग जाइए, आप लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। भगवान आपकी लंबी उम्र करे, हमेशा सुखी रखे। ये आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। क्या कर रही हैं आप, मैं तो आपका सेवक हूँ। आप जाइए इनके साथ। शुक्रिया। आइए चलिए। यादव जी एक बात याद रखना, ये हमारे बदौलत नहीं, हम इनकी बदौलत है। जनता अपनी फरियाद लेकर आसानी से मुझ तक पहुंच सके, इसलिए तो आज तक मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी। आइंदा इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके सर। I'm sorry मैं सर आऊं। आप शर्मिंदा कर रहे हैं सर। बैठो। By the way, आपने अर्जुन को जेल पहुंचाने के लिए क्या सोचा है? सर हमारे प्लान के मुताबिक
अर्जुन के हाथों मेरा कत्ल होगा और इस जुर्म में इन्हें लंकेश्वर के जेल में भेज दिया जाएगा। अब हमारी सारी उम्मीदें तुमसे हैं अर्जुन। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं सर, उस जेल से या तो लंकेश्वर की असलियत बाहर आएगी या फिर अर्जुन सिंह की लाश। ग्रेट, ऑल द बेस्ट। क्या सोच रहे हो? एनी डाउट? नो सर, सब प्लान तो आपका सही है। मैं आप पर नकली गोली चलाऊंगा, आपकी झूठ मोट की मौत होगी, मुझे लंकेश्वर की जेल में भेज दिया जाएगा, दुनिया के नजरों में धूल झोंक कर आपका पोस्टमार्टम भी हो जाएगा और अंतिम संस्कार भी। मगर मगर क्या? आपने काजल के बारे में क्या सोचा? तकलीफ होगी उसे। तुमने अपने पिताजी और बहन के बारे में क्या सोचा है? तकलीफ तो उन्हें भी होगी तुम्हारे जेल जाने से। लो, ड्रिंक लो। नो सर, थैंक यू सर। देखो अर्जुन, अगर पुलिस वाले रिश्ते और जज्बात की सोचेंगे, अपनी ड्यूटी कभी नहीं निभा पाएंगे। तकलीफ तो होगी काजल को, मगर उतनी खुशी भी होगी अपने पिता और होने वाले पति पर जब हम कामयाब होंगे। हरिनाम है ना, सब संभाल लेगा। और हाँ, इस मिशन में हरिनाम भी हमारे साथ है, ये तुम्हारे कांटेक्ट में रहेगा। जेल से मिलने वाली हर इंफॉर्मेशन तुम हरिनाम को दोगे, वो इंफॉर्मेशन हरिनाम मुझे देगा। एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर। लो, ड्रिंक लो। नहीं सर, वो मैं। हरिनाम। सर, तुम लो। सर, नहीं, वो मैं। अरे क्या वो मैं लगा रखा है तुम लोगों ने? किस बात का लिहाज कर रहे हो तुम लोग? अगर तुम मुझे सीनियर समझते हो तो इस वक्त मैं ड्यूटी पर नहीं हूं, और अगर तुम मुझे होने वाले ससुर समझते हो तो काजल की शादी मैं किसी और नौजवान से कर दूंगा। नहीं सर। अरे नाम, सॉरी सर। अरे लो यार। चीयर्स। 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 सर, तुम यहां कैसे? एक केस के सिलसिले में आया था सर। अच्छा, बाकी डलो से मत, सब ठीक? ठीक है सर, मैं चलू। एक मिनट, तुम्हारा वो बैग। नहीं सर, मैं तो खाली हाथ आया था। जब मेरी नजर तुम पर पड़ी तो तुम्हारे राइट हैंड में बैग था, वो बैग तुमने वहां रखा है। नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा, एक मिनट। अरे नाम, वो बैग लेके आओ। ये सब क्या है? सर, ये बैग मेरा नहीं है। ये बैग तुम्हारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमने उस चेयर पे रखा था बैग। ये बैग मेरा नहीं है। ये सर, बैग तुम्हारा है। बकवास है सर। सारा डिपार्टमेंट जानता है कि मुझे इस शहर से कितना नफरत है। ये बैग मेरा नहीं है। ये बैग तुम्हारा है। डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंकने के लिए नफरत का अच्छा ढोंग रचा है ताकि आसानी से इसकी स्मगलिंग कर सको। अरेस्ट हिम। तमाम सबूत और गवाहों की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम अर्जुन सिंह ने अपने सीनियर ऑफिसर अमर अग्निहोत्री का कत्ल किया, लिहाजा यह अदालत अर्जुन सिंह को उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है। मैंने तुमसे कहा था ना बेटे, एक दिन तुम्हारा आवेश, तुम्हारा क्रोध किसी दिन तुम्हें ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देगा। कैसे निभाओगे राखी की जिम्मेदारी? कैसे एक बेटे का फर्ज अदा करोगे? क्या होगा हमारा? इसका कन्यादान भी तभी होगा जब मैं लोगों से ये कहूंगा कि मेरी सिर्फ एक ही औलाद है और वो है ये, मेरी बेटी। भैया। अंजू, हे अंजू, अंजू, जज्बात में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। ये पिताजी कहा करते थे, शायद भूल गए। अभी उसकी अदालत का फैसला बाकी है। भगवान सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा।
ए, चलो उधर। छोड़ दे, छोड़ दे कुत्ते कमीने, छोड़ दे। जैसे उस बटन को टेंशन देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बल्ब नहीं जलेगा और ना ही कोई उसे आकर बदलने वाला है। ये लो नया बल्ब, लो ले लो। ये सरकार नहीं दे रही है, मैं दे रहा हूं। गिफ्ट है, गिफ्ट। क्या है कि वो तुम जेलर के सामने आकर खड़े हो गए थे ना, क्या स्टाइल था, क्या डेंजर लुक था। वो जेलर है ना, उसकी तो अंदर से मैं समझ गया था कि तुम बस हाथ छोड़ने वाले हो, इसलिए मैंने 2 मिनट पहले घंटी बजा दी थी, क्योंकि तुम्हारे मसल्स एकदम सॉलिड टाइट हो गए थे। सब देखा मैंने। मैंने भी देखा। उस गरीब का रुपया। वाह वाह, क्या बात है। ये लो एक और गिफ्ट, लो। वाह। कितने साल से सजा काट रहे हो? सजा काट रहा हूँ? अरे मैं तो मजे मार रहा हूँ, सजा तो कब की कट गई है, मैं तो अब धंधा कर रहा हूँ यहाँ। धंधा? धंधा? मेरा नाम जनरल है, वो वाला जनरल नहीं, जनरल स्टोर। तेल, बीड़ी, साबुन, कंघी, बल्ब, खटमल मारने की दवा, जू मारने की दवा, सब कुछ मिलता है मेरे पास में। ये सब तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल ये सब भी मिलेगा। वो अपने जेलर साहब है ना, वो इस चलती फिरती जनरल स्टोर का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जेल में अकेला मैं ही ऐसा कैदी हूँ जो बिना किसी पाबंदी के अंदर बाहर आता जाता रहता है। जैसे अजगर। सुनो, गांधी जी के 3 बंदर पता है? हाँ, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। हाँ, तो अगर इस जेल में तुम्हें सुखी रहना है तो गांधी जी के 3 बंदरों के गुण अपने अंदर ले लो, क्योंकि यहां का हर कैदी गांधी जी का बंदर है। तू भी बंदर, मैं भी बंदर, या सो जानवर जा। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मत मारना, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मत मारना। चाचा, हाँ, वो उसे क्यों मार रहा है? कौन मार रहा है? अरे वो अजगर उस आदमी को पीट रहा है। कहाँ पीट रहा है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। और उसने उसको मारा। और सुन, और अपने को कल वो काम नहीं पड़ेगा। हाँ, बहुत जरूरी है। चलो चलो निकालो जल्दी। आप इस जेल में कब से हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उठ, सारा कुत्ते की तरह खाता है और तब गिरा दिया। उठा, उठा इसे।
रहा है। क्या देख रहे हो इधर उधर, कोई नहीं आएगा नजर। क्यों? आज जेल में बहुत बड़ा जश्न है, हर कोई उसी की तैयारी में मगन है। जश्न? Yeah.
हरिनाम, इतने दिन तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए? कई बार आ चुका हूँ सर, पर पता नहीं मिलने ही नहीं दिया। एक नया सेंट्री था, उसे थोड़े से पैसे खिलाकर बड़ी मुश्किल से अंदर आया हूँ सर। अच्छा सर, अग्निहोत्री सर के लिए कुछ मैसेज है। लंकेश्वर ने इस जेल को अड्डा बना दिया है। ऐसा कोई गलत काम नहीं है जो इस जेल में नहीं होता। यहाँ के गोदाम गैर कानूनी हथियारों और बारूद से भरा हुआ है। पता चला है कि 15 अगस्त के दिन ये माल यहां से निकाल दिया जाएगा। हरिनाम सर, अगर ये माल यहां से निकल गया तो इसलिए उनसे कहना कि जल्द से जल्द छापा मार के लंकेश्वर को गिरफ्तार कर ले। ओके सर। नहीं सल्यूट नहीं सर। ओके मैं कमिंग सर। यस कमिंग सर। मैं एसीपी अग्निहोत्री साहब से मिलना चाहता हूं। व्हाट, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि अग्निहोत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे? सर, डिपार्टमेंट ने अर्जुन सिंह को जिस मिशन के लिए भेजा है, मैं भी उसमें शामिल हूं। और सर, जेल में मैं अर्जुन सिंह से मिला था। अग्निहोत्री साहब के लिए उन्होंने एक मैसेज भेजा है। देखो, मिशन पूरा होने तक अग्निहोत्री अंडरग्राउंड रहेंगे, किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। तुम ये मैसेज मुझे दे सकते हो? सर, अर्जुन सिंह ने लंकेश्वर के जेल में होने वाली एक एक गैरकानूनी एक्टिविटीज का पता लगा लिया है। वहां रखे गए गैरकानूनी हथियार 15 अगस्त के दिन बाहर निकालकर आतंकवादियों को दिए जाएंगे। उनका कहना है कि आप जल्दी से जल्दी जेल पर रेड कर दीजिए और लंकेश्वर को गिरफ्तार कर लीजिए। जस्ट अ मोमेंट। हेलो, कमिश्नर रावत है सर। सर, मुझे हमारा मिशन कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे ही डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने अर्जुन से जेल में मुलाकात की और अर्जुन ने उसके जरिए मैसेज पहुंचाया सर कि हमें जितनी जल्दी हो सके जेल पर रेड कर देनी चाहिए। यस यस सर, यस। ओके सर, थैंक यू। हरिनाम सर, अर्जुन से जाकर कहो कि हम 15 अगस्त को झंडा फहराने के बहाने जेल में आएंगे और रेड कर देंगे। यस सर। काजल, तुम यहां क्या कर रहे हो? चलो चलो मैं चलो अंदर चलो चलो। तुम्हें इतना भी होश नहीं कि इतनी तेज हवा चल रही है? अगर तबीयत बिगड़ गई तो? सब कुछ तो खत्म हो चुका है अंकल, अब रही क्या? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? कैसे हो गया ये सब? सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी। कैसे ठीक हो जाएगा? क्या पापा लौट आएंगे? बताइए, क्या पापा लौट आएंगे? हाँ, लौट आएंगे वो। तू उसकी लीला को नहीं समझती, वो कुछ भी कर सकता है। तू सिर्फ सबर कर, क्योंकि वो हमेशा सबर करने वाले के साथ होता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, तुझे तेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बस तू सिर्फ अपने आप को संभाल और इंतजार कर वक्त का। अंकल, मैं बच्ची नहीं हूं। मैं जानता हूं बेटी, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम खुद कहोगे कि अंकल तुम सही कहते थे। समझी?
देखा। काजल दुखी है सर। काजल? उसे मालूम नहीं है ना, मगर सर जब उसे ये सब पता चलेगा ना तो बहुत खुश होगी वो। फकर होगा उसे अपने पिता पर, आप पर। और सर मैं भी बहुत खुश हूं सर। फकर होता है मुझे अपने आप पर जो मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। हरिनाम सर, रेड की तैयारी करो। यस सर। सॉरी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अजगर, 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 नहीं, नहीं, अजगर, कोई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, नहीं, चोर, चोर, अटैक करो। खूनी और खतरनाक मुजरिम भैरव सिंह उर्फ अजगर को 14 अगस्त की सुबह 6 बजे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। रस को दे दो। मैं सोच रहा हूं हरिराम की लाश सेल नंबर 8 के पीछे वाले बाथरूम में दफना दूं। बेवकूफ आदमी, तुम्हारी जगह हरिनाम को फांसी हुई, तुम्हारी आजादी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसकी लाश का अंतिम संस्कार हो। वैसे अब तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। आइए मंत्री जी। भाइयों, अब मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे कैदी भाइयों के लिए दो शब्द कहें। आइए। हम इस जेल में सिर्फ तिरंगा लहराने के लिए नहीं आए, हमारे यहां आने का एक खास मकसद है और वो मकसद है अपने अंदर छुपी बुराइयों को खत्म करने का प्रयास। गला घोंट दो हर बुराई का, तोड़ दो सारी बंदिशें, दिल में हिम्मत और एक चैलेंज लेकर बुराई के सामने डटकर खड़े हो जाओ। चोर, चोर गिरफ्तार कर लीजिए इस सहवान को, जिसने न जाने कितने मासूमों का मौत के घाट उतार दिया।
हरिराम को मेरे आंखों के सामने फांसी पर चढ़ा दिया सर। सर उसने खाने में हल्दी एक सौ हथियार भरे हुए सर। सर जेल को चारों तरफ से घेर लो। सर गिरफ्तार कर लीजिए इस ऐवान को। क्या क्या कर रहे हो सर? सर ईश्वर तेरा खेल खत्म हो चुका है सर। मैं सब अपनी आंखों से देख चुका हूँ सर, अपनी आंखों से देख चुका हूँ। अच्छा हुआ आप लोग आ गए सर, गिरफ्तार कर लो जवान को। नीचे ले जाओ उसे। तुमने मुझे क्यों पकड़ा? छोड़ दो मुझे, गिरफ्तार कर लो जवान को। कमिश्नर। यस सर। इस जेल में एक पागल कैदियों का भी सेल है क्या? सर ये एक पुलिस ऑफिसर था, अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मार दी, लगता है पागल हो गया। ले जाओ इसे नीचे। ए चल। भैया मेरे राखी के बंधन को निभा, दो नहीं पांच। भैया मेरे छोटी बहन को ना भूला। अर्जुन भैया को इतना तो बोल दीजिए कि उनकी बहन आई है। अरे कितनी बार बोला तुमको कि अर्जुन सिंह किसी से नहीं मिलना चाहता और ना कोई उसे मिल सकता है। लेकिन क्यों क्यों नहीं मिल सकता जेलर साहब? आज रक्षाबंधन का दिन है, बड़े अरमान लेकर मेरी बेटी अपने भाई को राखी बांधने आई है। बहादुर सिंह जेलर साहब आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझता हूँ, लेकिन एक बात ये जलालत है। What? जेलर का आपके साथ ये सुलूक? इससे पहले भी उस जेलर के खिलाफ काफी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। Anyway, कल मंत्री दीनदयाल साहब से उनके फार्म हाउस पर मेरी मीटिंग है, आप दोनों भी वहां आ जाइए, अपनी शिकायत उनको सुनाइए, वो फौरन उस जेलर के खिलाफ एक्शन लेंगे और फिर आप अर्जुन से मिल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब, हम तो अर्जुन से मिलने की आशा ही खो बैठे थे। आओ बेटी। कल फार्म हाउस पर आना मत भूलेगा। जी। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे के साथ कुछ रियायत बरती जाए? जी। अरे भाई वो उसका घर नहीं, जेल है, जेल। और जेल के कुछ अपने कायदे कानून होते हैं। कानून की मैं भी इज्जत करता हूँ साहब, मेरे बेटे ने जो भी किया कानून उसे कोई भी सजा दे, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन सब ये कौन सा कानून है जो एक बहन को राखी बांधने से रोक रहा है? आप देखिए इसे, रो रो के क्या हाल बना लिया इसने अपना। कल से ना कुछ खाया है ना पिया है। जुर्म अगर मेरे बेटे ने किया है तो उसकी सजा इसको क्यों मिल रही है साहब? बात बिल्कुल सच है कमिश्नर साहब, सजा इस बेचारी को क्यों मिल रही है? देखिए ना, फूल जैसा चेहरा मुरझा गया है,
फूल नहीं मंत्री जी, ये तो कली है। शायद मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, मैं चलता हूँ। आओ बेटे। अरे एक मिनट, तुम तो बुरा मान गए। तुम यही चाहते हो ना कि मैं जेलर के खिलाफ एक्शन लूं? अभी ले लेते, आज बुलाइए ना जेलर साहब को। हाँ जेलर साहब बाहर आइए हुजूर। अरे जेलर, क्या बात है भाई, इसे राखी बांधने से क्यों रोक दिया गया? आखिर इसके भाई का क्या कसूर है? इसके भाई का सिर्फ एक ही कसूर है कि वह बेकसूर है। समझ गया साहब, अच्छा सिला दिया है तुम लोगों ने मेरे बेटे को ईमानदारी का। तुम्हें अपने भाई से मिलना है ना, हम उसे यहीं बुला लेंगे, फिर जी भर के मिल लेना। अभी तो तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं, पहले हम तुम्हें पिलाएंगे फिर खिलाएंगे। लो पियो। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। हम लोग तो यार छुट्टी मनाने आए हैं, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। हमें भी छुट्टी मनाने दो, तुम भी छुट्टी मना। बोलो क्या पियोगे? बियर, विस्की, वो बस, बस बहुत हो गया साहब। आप लोग क्या समझते हैं, सारे रास्ते यहीं आके खत्म हो जाते हैं? अरे आपसे ऊपर भी और लोग हैं, मैं उनके पास जाऊंगा और अपने बेटे की बेगुनाही और आप लोगों के काले कारनामों की एक एक बात उन्हें बताऊंगा। मैं खामोश नहीं बैठूंगा। अच्छा हुआ जो आप लोगों ने आज मुझे यहाँ बुला लिया, कम से कम मेरे दिल से एक बोझ तो उतर गया कि मेरा बेटा गुनहगार नहीं। चलो बेटे। बेटे अंजू, बेटे अंजू, बेटे अंजू, बेटे अर्जुन, अर्जुन बेटे, अर्जुन बेटे, बेटे अर्जुन, अब तक जो मैं कहता रहा गलत कहता रहा बेटे कि तू हिंसा छोड़ दे, लेकिन आज मैं कहता हूँ मिटा दे जालिमों को, मिटा दे, विनाश कर दे इन पापियों का, विनाशक बन जा, विनाशक बन जा, विनाश। अरे चल 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 चल, देख देख, हालत बना रखी है तूने, ईमानदारी जताकर तुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं।
बहुत बर्दाश्त कर लिया तूने, बहुत जुर्म हुआ है तुम्हारे साथ, इसलिए हमने फैसला किया है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं। एक बात तुम भूल रहे हो लंकेश्वर, अगर तुमने इसे आजाद कर दिया तो ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, चुन चुन कर मार डालेगा। मुझे भी लगता है सबको मार डाले गई, लेकिन हम क्यों मरे भाई हा? जिंदा रहने का हक तो सिर्फ हमारा है, क्योंकि दुनिया भर के ऐशो आराम हमारे पास है, इसके पास क्या है? बूढ़ा बाप था हमारे ही घर में आकर हम पर ही भौंकने लगा, एक ऐसा बार पड़ा कि कुत्ते की तरह जुबान बाहर निकल आई, एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। बच्ची थी एक छोटी बहन, उस बेचारी का अपना प्रॉब्लम, ये अजगर जेल से भूखा प्यासा छूट कर आया और सीधा निकल गया उसे। एक और महारथी थे, इनके ही आदर्श मिस्टर अग्निहोत्री, बहुत चढ़ी चढ़ी थी, उसे ये गलत फहमी थी कि वो प्लान बना रहा है तुम्हें भेजकर हमारी गिरफ्तारी का, सच तो ये है कि प्लान हम बना रहे थे तुम दोनों को खत्म करने का, क्योंकि तुमने हमारा करोड़ों का माल पकड़वा कर हमें नुकसान पहुंचाया, उसे मरना था वो मर गया। नहीं नहीं, अरे तुमने उसे नहीं मारा, वो पाप तुम अपने सर पे मत लेना, तुमने तो उसे नकली गोली मारी थी, वो नेक काम तो हम सबने किया था। मरने की एक्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है सर, लेकिन असल में मरना उतना ही आसान है। ये निकला रिवॉल्वर, ये लगाया निशाना और ये चली गोली। तेरे हमदर्द, तेरे चाहने वाले सब एक एक करके ऊपर चले गए, तो अकेला इस दुनिया में जीकर क्या झक मराएगा? अरे ये दुनिया तो नरक है नरक, इस संसार में सिर्फ हमारे जैसे लोग जी सकते हैं, तुम जैसे नहीं। तुम तो बड़े ईमानदार और बहादुर पुलिस अफसर थे, तो तुम्हारी मौत भी बहुत शान और इज्जत से होनी चाहिए। आशिक का जनाजा अगर धूम से ना निकले तो इश्क करने का फायदा ही क्या है? अरे लंकेश्वर, ये सुन रहा है कि नहीं? सब सुन रहा है। अजगर, मंत्री जी अपने शुभ हाथों से इन्हें पुलिस इंस्पेक्टर बना दीजिए। यह है अशोक स्तंभ जिसे तूने हमेशा अपने सर का ताज बनाए रखा। ले, पहले से और ये है वो सितारे जो जुर्म की अंधेरी रात में चमक कर तेरे नाम को चमकाते थे। इसे सीने पर लगाकर तू शेर की तरह चला करता था। लाओ फिर चलाओ। और ये नाम अर्जुन सिंह, जिसका नाम और निशान अब मिटने वाला है। सर उठाकर उससे मदद न मांग, अब तुझे बचाने के लिए उसका कोई बंदा नहीं बचा है। या अल्लाह, तेरे हबीब के सदके में दुनिया वालों पर रहम कर, फजल कर,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम नईम मियां, आइए तशरीफ लाइए। ये लीजिए आपका पासपोर्ट। वाह, अल्लाह के फजल से आप हज पर रवाना हो रहे हैं। हाँ नईम मियां, ये अल्लाह ही का तो फजल है। पिछले 3 साल से मुसलसल कोशिश कर रहा था, हर बार कोई ना कोई काम निकल आता था। इस बार अल्लाह ने सुन ली। टैक्सी लाओ। हाँ। अरे सलीम मियां, टैक्सी में सामान रखवा भाई। खान साहब, ओफो ये तकल्लुफ। तकल्लुफ किस बात का? क्या हुआ खान साहब? नहीं मियां, आप तो वाकिफ हैं, हज का फर्ज अदा करने से पहले और भी फर्ज अदा करने होते हैं। मैं नहीं जा सकता, दोस्ती का फर्ज अभी बाकी है। दरवाजा खोलो। क्या काम है? अर्जुन सिंह से मिलना है। अर्जुन सिंह से कोई नहीं मिल सकता। क्यों? जेलर साहब का ऑर्डर है। जेलर साहब कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? कोई ठीक से जवाब नहीं देता। कोई कहता अर्जुन से नहीं मिल सकते, कोई कहता अर्जुन किसी से मिलना नहीं चाहता। अगर अर्जुन नहीं मिलना चाहता तो मैं मिलना चाहता हूँ अर्जुन से। कहाँ है सब लोग? कहाँ है तुम्हारा ऑफिसर इंचार्ज? देखो क्या है वो? ये तेरी बात नहीं समझेगा, इसे भी मुझे ही समझाना पड़ेगा। ए चल, क्या हो रहा है सब? कौन है आप? जरा और ऊंचे बोलिए, एक कान से बहरा हो गया ये। मैं इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान खान हूँ, अर्जुन सिंह से मिलना चाहता हूँ। और ये किसी पर हाथ उठाना क्या तमाकू खाना समझता है? ए, समझा दीजिए इसे, नहीं तो उल्टे हाथ का एक और दूंगा तो दूसरे कान से भी बहरा हो जाएगा। आप इंस्पेक्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जेल के डिसिप्लिन को तोड़ें। मैं समझ रहा हूँ आपका डिसिप्लिन, अब जरा उसे भी देख लूं जिसने ये डिसिप्लिन बनाया है। कहाँ है तुम्हारा जेलर? सर मैं इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान खान हूँ। मैं अर्जुन से मिलने जेल गया था, लेकिन मुझे उससे मिलने नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों नहीं मिल सकता उससे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए। डॉक्टर की भी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए अर्जुन मेरा दोस्त है और खूनी है वो। उसने अपने सीनियर अफसर का खून किया है। खूनी वो नहीं, खूनी तुम लोग हो। लगता है इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। इसकी तो मैं वर्दी उतरवा के ही रहूंगा। वर्दी किसी नेता की टोपी नहीं है दीनदयाल, जिसे अपने मतलब के लिए जब चाहा पहन लिया और जब चाहा उतार दिया। खान साहब, खान साहब आपको अर्जुन सिंह से मिलना है ना? तुम कौन हो? फिकर मत कीजिए, मैं इन लोगों का पालतू कुत्ता नहीं हूं। अर्जुन सिंह तक सिर्फ आपको मैं पहुंचा सकता हूं, लेकिन कीमत लूंगा इसकी। नहीं नहीं, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे इस काम की कीमत है अर्जुन की रिहाई। बचा लीजिए उसे, इन लोगों ने उस पर इतने जुल्म किए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। खान साहब ये तो अर्जुन है जो अब तक सांसें ले रहा है, अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो कब का खाक हो चुका होता। अर्जुन कहाँ है ये मैं बताऊंगा। Thank you.
जाओगे ना तो तुम्हें सेल नंबर 3 दिखाई देगा। उस सेल नंबर 3 के पास ही जेल का किचन है, वहीं पर तुम्हें छोटा सा पेड़ दिखाई देगा और वहीं से उस तहखाने में जाने का रास्ता है जहां उन्होंने अर्जुन को कैद करके रखा है। ऑल द बेस्ट। अर्जुन, 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 होश में हो मेरे भाई, होश, अर्जुन, 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 अर्जुन सब पता चला। तू फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं अर्जुन। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा कर भाई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। खुदा ने जुल्म करने वालों को कभी नहीं बख्शा। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसे सब खबर है। चलो अर्जुन, चलो, चलो, चलो अर्जुन।
याद रखना अर्जुन, एक दिन ऐसा काम कर जाऊंगा ना, तू सलूट करेगा मुझे। बाप रे सत्यानाश! अच्छा हुआ जेलर साहब आप उस वक्त यहाँ नहीं थे, वरना। रात को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि चारों को खलास कर दूंगा, एक का तो समझ में आता है, बाकी तीन कौन है? दरवाजा खोलो काजल, काजल मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं जेल से भागा हूं काजल, काजल पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, काजल प्लीज दरवाजा खोलो, काजल, काजल। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। काजल, नो, डैमेज। चले जाओ यहां से वरना मार डालूंगी। काजल, काजल अगर मुझे मार कर तुम्हारे अंदर दहक रही बदले की आग बुझ सकती है तो मार तो मुझे, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी होगी। मैं अपने माथे पर बदनामी का दाग लेकर मरना नहीं चाहता काजल। अरे तुमने अपने माथे पर और मेरे दिल पर बहुत आग लगाए हैं, जो तुम्हारे मौत के बाद भी नहीं धुल सकते। मैं जानता हूं काजल, जो गांव तुम्हें मिले उसका धर्म मैं समझ सकता हूं, लेकिन काजल मेरा यकीन करो, मैंने इस फरिश्ते का खून नहीं किया। झूठ बोलते हो तुम, अगर तुम खूनी नहीं हो तो उन गवाह और सबूतों ने तुम्हें खूनी कैसे साबित कर दिया? अगर तुम गुनहगार नहीं हो तो अदालत में भी बेगुनाही का सबूत क्यों नहीं दिया? जब सजा सुनाई जा रही थी तो अपना सर झुकाए क्यों खड़े थे? क्यों 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 है जवाब इसका तुम्हारे पास? जवाब है मेरे पास काजल, हाँ सारे सबूत और गवाहों ने मुझे खूनी साबित कर दिया। अगर अदालत में मैं अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित कर सका, अगर सजा सुनते वक्त मेरा सर झुका हुआ था तो वो सिर्फ इसलिए काजल, क्योंकि वो एक सीक्रेट प्लान था। मैं नहीं जानता था कि वो एक प्लान नहीं बल्कि मेरे खिलाफ एक साजिश थी। मैं नहीं मानती ये झूठी कहानी। काजल, 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 क्यों नहीं समझती तुम? डैमेज, क्यों नहीं समझती? डैमेज, क्यों नहीं समझती तुम? काजल, क्यों नहीं? बिलीव मी काजल, बिलीव मी। काजल, काजल अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या मैं तुम्हें खूनी लगता हूं? मैं मानता हूं वो तुम्हारे पिता थे, लेकिन मेरे लिए पिता से बढ़कर थे, वो मेरे गुरु थे, मेरे आदर्श थे। काजल, क्या तुम्हें लगता मैं अपने गुरु, अपने आदर्श का खून कर सकता हूं? काजल, दुश्मनों की साजिश ने सिर्फ तुम्हारे पिताजी की जान नहीं ली, हरिनाम को भी फांसी पर चढ़ा दिया क्या? हाजी खान मुझे बचाते शहीद हो गए, यहां तक कि मैंने
अपने भाई बहन को भी खो दिया, अपने पाप की आरती को कांटा भी नहीं दे सका मैं। अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये देखो। मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई है, जुल्म और आतंक को मिटाने की एक ऐसी मिसाल पैदा करूंगा जिसकी कोई मिसाल नहीं होगी, जिसकी कोई मिसाल नहीं होगी। घर पे तो कोई नहीं है। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी वार्टी नहीं मनानी, कुछ नहीं चाहता हूं मैं। अरे जो अर्जुन लोहे की सलाखें और पत्थर की दीवारों को फांद कर भाग सकता है उसका मेरी पार्टी में आना क्या मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। आप चिंता क्यों करते हैं मंत्री जी, वो जरूर आएगा। पहले उसका सर कटेगा, उसके बाद आपका केक कटेगा। लंकेश्वर, अर्जुन बेवकूफ नहीं है। माना मंत्री जी, माना, वो बहुत अकलमंद है, लेकिन गुस्सा अकल को खा जाता है। और आपकी बर्थडे पार्टी पे अर्जुन को उसकी अकल नहीं उसका गुस्सा लाएगा, और गुस्सा ही उसकी मौत का कारण बनेगा। आप सिर्फ ये बताइए कि आपको अर्जुन जिंदा चाहिए या मुर्दा? अरे मुर्दा चाहिए मुझे, नहीं लाना भी मत, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन हाँ कमिश्नर, मुझे पूरा पुलिस बंदोबस्त चाहिए यहाँ पर। आई वॉन्ट दी इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट ओवर हियर, ताकि कोई भी खतरा ना हो। खतरा तो है मंत्री जी। है? हमारे लिए नहीं, अर्जुन सिंह के लिए। अगर वो लोग ऐसा सोच रहे तो गलत सोच रहे हैं। मैं गुस्से से नहीं अकलमंदी से काम लूंगा। मैंने वहां जाने की पूरी तैयारी कर ली है। अर्जुन तुम समझते नहीं हो, वहां सिक्योरिटी इतनी है। सिक्योरिटी सिर्फ मुझे मारने के लिए नहीं, उनके बचाव के लिए भी है। और इतनी सिक्योरिटी उन्हें लापरवाह और बेफिक्र कर देगी, और उनकी वही लापरवाही मेरा साथ देगी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हरगिज नहीं। क्यों नहीं? अर्जुन, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई मेरी भी है। We'll be right back.
ने कहा था खतरा अर्जुन को है और तुमने 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 कहा था पहले अर्जुन का सर कटेगा फिर केक। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, अगर तू देख सकता है तो देख मेरे कब्जे में कौन है। हथियार फेंक और जल्दी बाहर निकल, वरना इस लड़की की जान गई समझो। जल्दी बाहर निकलो। अर्जुन सिंह, जल्दी बाहर निकल। मैं जानता हूं ये पुलिस केस है। ऑपरेट, आई सेड ऑपरेट।
नर्स। डोंट वरी, बैठिए, जस्ट रिलैक्स। देखो घबराओ मत, मैंने उसकी गोलियां निकाल दी हैं, अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, वो मरीज। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं पूछता हूँ क्या हुआ? तुम्हें जीना होगा काजल, काजल तुम्हें जीना होगा। तुमने तो साथ निभाने का वादा किया था, इस तरह इस मोड़ पर छोड़कर कैसे जा सकती हो तुम? ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी है काजल, तुम्हारी भी है। इसकी जीत की खुशियां मनानी हम दोनों को। आखिर मैं क्या करूंगा काजल? काजल तुम्हें जीना होगा, तुम्हें जीना होगा, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। हे काजल, इसे कुछ नहीं होगा, इसे कुछ नहीं होगा। ये मेरा इंतजार करेगी, ये नहीं जाएगी। मैं वापस आऊंगा काजल, मैं जीत कर वापस आऊंगा। मेरा इंतजार करना काजल, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। अरे कमिश्नर साहब आइए ना। नहीं मंत्री जी, मैं आपकी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। हाँ, वो अगर अर्जुन ने आप पर हमला किया तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा ना। अरे कमिश्नर साहब, आपके पीछे तो पूरी पुलिस फोर्स है। मैं अपनी फोर्स को अच्छी तरह जानता हूं मंत्री जी। हाँ? मुझे भी अपने दो कमांडोज दे दीजिए। हाँ हाँ, जाइए ले लीजिए।
रुक, गाड़ी चला, जल्दी जल्दी ले चले ऐसे। अरे ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कौन हो तुम? या हाँ 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 अरे हमारी इस साजिश में जेलर लंकेश्वर भी हमारे साथ था। कि उसने दिन दहाड़े पुलिस कमिश्नर को खत्म किया है, यह भी सुन चुका हूं कि सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंककर उसने दीनदयाल को खत्म किया है। इसका मतलब यह नहीं कि वो मुझ पर वार करने की हिम्मत करे। लंकेश्वर हूं मैं, लंकेश्वर। अगर मुझे कोई परेशान कर रहा है तो सिर्फ प्रेस और पुलिस वाले, बस। एक बार वो मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन सर, जाओ यहां से, गेट लॉस्ट एवरीबॉडी। क्योंकि उसका एक खास आदमी मेरे पास है। अभी तक तो कुछ पका नहीं, पर जल्दी पक देगा। ठीक है, जल्दी पता करो। बताता हूं। पीछे देख। हाँ, अजगर को फोन दो। अजगर इस लायक नहीं है कि तुझसे बात कर सके। क्या हुआ उसे?
वो खा रहा है। लात और घूसे खा रहा है। जेलर की वर्दी पहनकर मैंने सिर्फ गुनाह किए हैं। अपने गुनाहों का सबूत मैं अदालत को पेश कर चुका हूं। मैं अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता हूं। अब अदालत जो भी सजा देगी मुझे मंजूर है। एक मिनट सर, 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 क्या एक बात? मिनट, क्या गजब किया आपने। अपने जुर्म कबूल करने की क्या जरूरत थी? मैंने तमाम झूठे गवार सबूत आपके लिए तैयार कर लिए थे, फिर ये जेल जाने की जरूरत क्या थी? उस सरफिरे अर्जुन सिंह से बचने का यही एक तरीका था। सेंट्रल जेल जेल नहीं, मेरा गढ़ है गढ़। वहां बैठकर मैं उसके मौत का जाल बिछाऊंगा। उसकी कभी हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वो सेंट्रल जेल में आए। चलो इंस्पेक्टर। मैंने भी अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है लंकेश्वर। तुमने ऐसा क्यों किया ये मैं जानता हूं, और मैंने ऐसा क्यों किया ये तुम जानते हो। यकीन नहीं आता लंकेश्वर कि तुम इतने आसानी से मिल जाओगे। ये चाल चलकर तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी की। कौन बेवकूफ है इसका पता तो सेंट्रल जेल पहुंचने के बाद पता चलेगा तुझे। जेल तक पहुंचना चाहते हो तो सिर्फ सांस लो। जरा सी भी आवाज की सांस बंद कर दूंगा। सपने देखना कानूनन गुनाह नहीं है। देखो, खूब देखो। सर माधव सिंह ठीक हो सर? मौत के डर से तू यहां से भागा था ना, तो फिर मौत के मुंह में आ गया है। अरे,
ले जाओ इन दोनों को। चल। क्यों जेलर, अपने ही जेल में नींद नहीं आ रही? देखो लंकेश्वर, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। खामोश, जुबान बंद रखो जेलर, वरना अर्जुन सिंह तो फांसी के तख्ते पर चढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ तुझे भी चढ़ा दूंगा। सर, बोट रेडी है, शाम होने से पहले हम सरहद पार कर चुके होंगे। ये माधव सिंह अर्जुन को लेकर अभी तक क्यों नहीं आया? माधव सिंह, इतनी जल्दी भूल गए जेलर? रिवॉल्वर दाई नहीं बाई तरफ रखी जाती है। Yeah!
जब धरती